क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से कमांडर्स वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह तो चलिए बेटा इकोसिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे आज हम लेक्चर नंबर फाइव देखेंगे और लेक्चर नंबर फाइव में आज हम कवर करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा वो है फोटो सिंथेटिक पर बात करेंगे हम नेट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको देखेंगे हम

ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से ठीक है ट्रिकी क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन होना चाहिए मैंने आपसे कहा ना बेटा इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के अंदर, अंदर इंपॉर्टेंट के फैक्टर के, तो इसका इसका होता, होता है क्योंकि समुद्र जो होता है उसमें तो वाटर ही वाटर होता है तो वहां पर रेनफॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नॉट ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सबसे स्टेबल इकोसिस्टम जो होता है वो मैराइन इकोसिस्टम होता है जिस पर कि चेंजेस का असर ना के बराबर होता है जो इंपॉर्टेंट चीज होती, होती है कि इसकी गहराई कितनी है कितना गहरा समुद्र है और है, सेलो है, समुद्र का किनारा है ठीके? कौन सा समुद्र का हिस्सा है? ये इंपॉर्टेंट चीज है तो आंसर है तो एग्जाम में क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर डी लगा देते हैं और जिन जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया उनका आंसर हो गया है गलत 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 ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्टॉन्स बेंथोस आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ नेक्टॉन और बेंथोस किसके घटक नहीं होते हैं ठीक है आपको पता है प्लेक्टॉन्स मतलब फाइटोप्लेक्टॉन्स पानी में तैरने वाले प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट जू प्लैंगटॉन छोटे एनिमल्स जो वॉटर में होते हैं ठीक है ठीक फिर उसके बाद बेंथोस जो जो तली पर लगे होते हैं बॉटम में पाए जाते हैं नेक्टॉन जो फ्री स्विमिंग होते हैं ठीक तो है मतलब है तो आंसर इसका कि मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम से जुड़ा है तो रिवर एक्वाटिक इकोसिस्टम इसका कंपोनेंट होते हैं ओशियनिको इकोसिस्टम वाटर है इसके भी भी कंपोनेंट है लेक एक्वाटिक इकोसिस्टम इसमें होता है सबाना इज ए ग्रासलैंड सबाना में आपको प्लैंकटॉन्स नेक्टॉन और बेंथोस देखने नहीं मिलेंगे ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोसिस्टम रजिस्ट चेंजेस बिकॉज इट इज इन ए स्टेट ऑफ एक इकोसिस्टम परिवर्तन का विरोध करता है क्योंकि ये इस अवस्था में होता है अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो सेल के अंदर होता है कोशिका के अंदर होता है स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वही आंसर यहां पर है होम्यो मतलब समान अवस्था को बनाए रखना आंसर है इसका होम्यो सिंपल क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम देर आर मोर प्रे दिटर एक इकोसिस्टम में शिकारियों की तुलना में शिकार की संख्या अधिक है यह संबंध क्या कहलाता है और इस संबंध को आज आप पढ़ने वाले हैं आज आप पढ़ने वाले हैं पर कॉमन सेंस की बात है यहां पर बात हो रही है नंबर्स की कि यह अधिक है यह कम है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स तो आंसर क्या आएगा इसका पिरामिड ऑफ नंबर इज द राइट आंसर ठीक है तो याद रखना अब कई बच्चे कौरते हैं जॉट आंसर आते हैं प्रिंटर प्रि रिलेशनशिप गलत हो गया फूड वेब गलत हो गया वेब इज अ डिफरेंट थिंग के यहां पे बोल रहा है केवल नंबर है एक, एक में शिकारियों की तुलना में शिकार की संख्या अधिक है तो ये संबंध क्या है दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय हेटरोट्रॉफ के मतलब जो भी प्लांट ने फूड बनाया वो प्लांट का जो बना हुआ फूड हेट्रोट्राफ ने पूरी तरीके से यूज नहीं किया कुछ फूड बच गया उसे क्या बोलेंगे तो उसके लिए बेटा जो वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम नेट प्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसे नेट प्रोडक्शन नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है ये तके. और ये क्वेश्चन भी बेटा जो है आपका सीबीएसई पीएमटी का ही क्वेश्चन है जिसको हम पहले ऑल इंडिया पीएमटी बोलते थे उससे लिया गया ये क्वेश्चन है ठीक है ना क्लियर तो ऑर्गेनिक मैटर जो यूज़ नहीं करते हैं उसे हम नेट प्रोडक्शन कहते हैं अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है इकोस्टम एक स्टेट क्या होता है बेटा तो देखो स्टैंडिंग क्रॉप का फंडा पड़ा हम लोगों ने स्टैंडिंग स्टेट का फंडा पड़ा हम लोगों ने क्या आंसर इसका बिल्कुल सही टोटल वेट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स उसके कुल वेट को हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं ओके और ये इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है स्टैंडिंग स्टेट के ऊपर ही स्टैंडिंग क्रॉप फिर डिपेंडेंट होती है ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम में द साइक्लिंग ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इज अ कपल्ड प्रोसेस ठीक है ना दूसरा ऑप्शन है साइक्लिंग ऑफ बोल रहा है आपसे कि जो ऊर्जा का चक्रण है और न्यूट्रेंड का चक्रण है वो आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया है दूसरा है साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो ऊर्जा का पुनर्चक्रण है वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया है ऑप्शन सी है मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है ऑप्शन डी है मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रेन साइकिल एट द सेम पेस मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रेंट एक ही गति से पुनर्चक्रित होते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा ठीक है साइकिलिंग ऑफ एनर्जी नहीं होता है एनर्जी की साइक्लिंग नहीं होती है एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो है तो साइक्लिंग ऑफ एनर्जी वाले दोनों ऑप्शन गलत है साइक्लिंग ऑफ एनर्जी वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए ठीक है फिर ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है बेटा सन से एनर्जी आती है हमने देखा था ना बेटा लिंडमासन परसेंट ऑफ लॉक की बात किया था हमने तो एक दिशा में ये सही आंसर हटके फिर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट सेम पेस में बल्कि एक भी एक से एक न्यूट्रेंट का जो साइकिलिंग होने का जो स्पीड है वो दूसरे न्यूट्रेंट से अलग होता है तो मैक्रो माइक्रो सेम पेस पर नहीं हो सकते क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन इज़ लिमिटेड बाय फोर टू के क्यों एक फूड चेन में ट्रैफिक लेवल की संख्या चार से पांच तक ही होती है उससे ऊपर नहीं होती है इसके पीछे क्या कारण है बताइए सोचिए और आंसर दीजिए सही आंसर दीजिए इसका चलो इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसको है ना क्या आंसर होगा इसका बेटा 90% परसेंट ऑफ फूड इज लॉस्ट एज हिट के मतलब केवल 10% परसेंट जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो पाता है इसलिए जब आप चार या पांच से अधिक ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे तो फूड एनर्जी को मोर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और एनर्जी का अमाउंट काफी लेस हो जाएगा और जो सफिशियंट नहीं होगा ठीक है फिर द नंबर ऑफ इंडिजुअल

तो ये देखो बेटा मैं तो गिनती के सात आठ क्वेश्चन आपको क्लास में लगवाता हूं यहां पर लेकिन ये है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, रहे हैं के? डीपीपी को सॉल्व करना है आपको टेस्ट को मिस नहीं करना है आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट को कई बच्चे लापरवाही में ले रहे हैं बेटा तो ऐसा मत कीजिए बायोमेंटस का जितना भी जो भी सिस्टम है वेल टाइम प्रूवन सिस्टम है तीन साल से लगातार कंसिस्टेंट रिजल्ट देते चले जा रहे हैं और हजार से ऊपर बच्चा सिलेक्ट होता चला जा रहा है तो इस बार बेटा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो है सिस्टम को फॉलो करें और अच्छी रैंक आप लेकर आए ठीक है चलिए तो चलिए लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं तो लेक्चर नंबर फाइव में हम जो है इंटर करते हैं तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतन सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी तो इकोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो है इकोसिस्टम जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा फूड चेन के बारे में फूड वेब के बारे में देखा था हमने कि फूड वेब का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में भी समझ चुके हैं ठीक है ना तो हमने देखा बेटा कुल मिलाकर कि इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनर्जी का कनेक्शन क्या है ऊर्जा के संबंध क्या है ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है बायोमास मतलब का मतलब क्या होता है स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ठीक है ना इकोलॉजिकल निके क्या होता हैबिटेट है क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को हमने यहां पर समझा ठीक है मतलब ये है बेटा कि इस चैप्टर में चूंकि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के मतलब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है तो उन सबको हमने कवर किया के कि हमने पिछली क्लास में बात किया था हमने कि जो आ,

हमने क्या देखा हमने देखा कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर जो है वो केवल टेन परसेंट एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है तो आपको बताना है उस नियम का नाम क्या है उस रूल का नाम क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल टेन परसेंट एनर्जी ही ट्रांसफर होती है शिफ्ट होती है उस रूल का नाम क्या है उस नियम का नाम क्या है ठीक कि है किसने दिया था वो नियम क्या आपको बताना है ठीक है आपको ये भी बताना है बेटा इसके अलावा आपको ये भी बताना है बेटा कि सबसे अधिक फायदेमंद फूड चेन कौन सी होगी जिसमें कि प्रोड्यूसर्स के के सबके ऊपर डिपेंडेंट मोर ट्रॉफिक लेवल होंगे या लेस ट्रॉफिक लेवल होंगे के विच फूड चेन इज मोर बेनिफिशियल हैविंग मोर एनर्जी के या हम ऐसे पूछे थे चलिए मैं आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं कि यदि एक व्यक्ति एक इंसान यदि एक व्यक्ति जो है वो किसको खाता है प्रोड्यूसर को खाता है मतलब हरे पौधों को खाता है जो है वो हरी सब्जियों को खाता है तो इट विल गेट मोर एनर्जी एस कंपेयर टू कॉर्निवोर के कॉर्निवोर यदि मान लो कोई मीट खाता है केवल तो उसको अधिक एनर्जी मिलेगी किसको एनर्जी अधिक मिलेगी ये आपको बताना है एनर्जी के सिद्धांत के आधार पर ठीक है

हम इतना समझ चुके हैं कि इस पूरी प्रकृति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो है दो तरह के फूड चेन है एक है ग्रेजिंग फूड चेन दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन के आपको बताना है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजिंग फूड चेन बड़ा क्वेश्चन है पर आंसर करेंगे आप ग्रेजिंग फूड चेन वर्सेज डेट्रीटस फूड चेन के दोनों में क्या अंतर के और कौन सा चेन इन दोनों में से कौन सा चेन जो है वो टेरेस्टल इकोसिस्टम में डोमिनेट होता है बेटा और कौन सा एक्वाइटिक इकोसिस्टम में डोमिनेट करता है तो आपको ग्रेजिंग फूड चेन और डेटिडस फूड चेन के बीच के डिफरेंस को बतलाना है ठीक है क्लियर अब ये भी हमने जो ये वाला जो इमेज देख रहे हैं इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं एनसीआर के अकॉर्डिंग इमेज देखा हमने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट बनाएंगे प्रोड्यूसर बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है बनाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है वो कॉर्नीवर बनाएंगे जो प्राइमरी कॉर्नीवर बोलेंगे या सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे टी थ्री बोलेंगे जिनको हम के और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कॉर्नीवर से बना होगा जिन्हें सेकेंडरी कॉर्नीवर भी कहते हैं और टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं ठीक है क्लियर है ना आप मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इंसेक्टिवरस प्लांट का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा बेटा तो आंसर इसका ये कि इंसेक्टिवरस प्लांट दे आर दी प्रोड्यूसर दे आर दी प्रोड्यूसर एंड दे आर आल्सो सेकेंडरी कंज्यूमर के सेकेंडरी कंज्यूमर ठीक है है ना तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वे प्रोड्यूसर भी होते हैं बेटा और साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर क्यों होते हैं क्योंकि ग्रीन होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन इन्हें अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को जो है वो लेना पड़ता है डाइजेस्ट करना पड़ता है और इसका एग्जाम्पल है नेपेंथस ठीक है यूट्रिकुलरिया ठीक है यूट्रिका ये सारे ऐसे प्लांट हैं नेपेंथस यूट्रिकुलरिया यूट्रिका दीज आर दी प्लांट्स जो कि क्या होते हैं प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं मैं नाम ले देता हूं पिचर प्लांट नेपेंथस ठीक है यूट्रिका यूट्रिकुलेरिया ठीक है बेटा ये वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं बड़े कॉमन इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं ये ठीक है तो आर प्रोड्यूसर एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर के फिर हमने पिछली क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने आपसे कहा था कि एनसीआर में लिखा है कि ह्यूमंस आर द टॉप अब ये मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्योंकि कारण ये कि यदि आप हमको टॉप कॉर्निवर बोलते हैं तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था ना कि सामाजिक पक्ष का यहां पे क्या है यहां पे इंसान के टेक्निकल डेवलपमेंट को शामिल कर लिया हमने अदरवाइज यदि हैंड टू हैंड वन टू वन टाइगर और इंसान आमने सामने हो तो इंसान के बचने की संभावना काफी कम है टाइगर पावरफुल प्रीडेटर आपने देखा ना बीच में आया था कि चिड़ियाघर में एक आदमी गिर गया टाइगर खा गया पकड़ के उसको के क्यों जबकि कोई टॉप कॉर्नर होता तो वन टू वन मुकाबला होता लंबा मुकाबला चलता फिर कोई हारता या जीतता पर इंसान को यदि निहत्ता है कोई वेपन पास में नहीं है तो टाइगर तो जरा में खत्म कर दिया इंसान को के और अब आप फिर वही बात ही बात आती है कि आज टाइगर संख्या में कम है इंसान ने उसको खत्म करके रखा हुआ है क्यों क्योंकि जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो बड़ा विवाद ये जो जो, स्टेटमेंट है इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी दुनिया भर में तो यू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ह्यूमन ट्रॉफिक लेवल को कैलकुलेट करने की पहली बार कोशिश किया और इनका फाइंडिंग आया दिसंबर सेकेंड टू में इनका फाइंडिंग आया

एपेक्स प्रियटर या ऐसा एनिमल जो केवल और केवल मीट खाता है और उसका कोई शिकार नहीं कर सकता है उसका उसके लिए उसके खुद के लिए कोई शिकारी दूसरा नहीं होता है के वो किस में आएगा वो एपेक्स प्रियटर में आएगा और ये सब नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे हैं उनके प्राकृतिक अवस्थाओं की बात कर रहे हैं नेचुरल कंडीशन में टाइगर का शिकार करने वाला कोई नहीं होता है नेचुरल कंडीशन में यदि आप देखें तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ का शिकार करने वाला कोई नहीं होता है के तो असल में ये जो टॉप को एपेक्स प्रिंटर है जो टॉप कॉर्निवर है उनको रैंकिंग फाइव दिया गया इत के तो इंसान का के सारे फीचर ने ह्यूमंस के सारे फीचर को जो है वो कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू निकल कर आया टू के जो कि एक पिक के बराबर था के यानी टू वैल्यू निकल के आया मतलब हम जो है वो ओमनी बोर्स के मतलब समझ में आया कि इंसान ओमनी बोर है हरवी है कुछ इंसान हरविबोर है कुछ कॉर्नीवोर भी होते हैं तो हमने कहा कि इंसान दोनों तरह की डाइट को ले सकता है तो इसका जो स्कोर है वो टू पॉइंट टू वन है यदि आप बोले तो ये टॉप प्रिटर नहीं है थेके? ऐसा जो है वो फाइंडिंग में निकल कर सामने आया ठीक है ये मैंने आपको बताया है नॉलेज के लिए थेके? कई बार क्या होता है कई बार जैसे कि जब आप जो है एफ एम सी इंटरव्यू में होते हैं के सीएमसी इंटरव्यू में होते हैं तो वहां पर इस तरह के रैंडम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे इनफैक्ट पी एस सी के दौरान के, स्टेट पी एस सी या आपका आई ए एस का एग्जाम होता है वहां भी इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अब आप जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा मैंने केवल आपको ये इसलिए बताया था कि कई बार क्या होता है कई बार एग्जामिनर भी इस तरह के क्वेश्चन बनाकर दे देता है कि तो पता हमको आना चाहिए हमारी एनसीआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैन एंड लॉयन आर बिलोंग्स टू दिस सेम ट्रॉफिक लेवल दैट इज दी

वर्स ठीक है ना क्लियर लेकिन क्वेश्चन ठीक ठीक फ्रेम किया गया क्वेश्चन होगा डायरेक्ट पूछेगा आप तो बता के आपको वो एग्जाम्पल देगा कि ऐसा रिसर्च हुआ इसके बाद ये पता मालूम चला तो क्या मालूम चला ठीक है ना Clear? तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होती है पूछ सकता जब इस कोई को की है अपडेट तो पूरा पूरा किया, किया जाएगा तो शायद से ही अपडेट को शामिल कर लिया जाए तो कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो दिमाग खुला रखिए दिमाग में रखिए इन्फॉर्मेशन लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आंसर लाएंगे टॉप कॉर्व क्लियर क्लियर अब आपके सामने बेटा यहां पर एक इमेज है, है ये इमेज किसकी है ये इमेज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, के बड़ा सुंदर तरफ हरियाली है झाड़ियां दिखा दिखाई पड़ रही है दूर दूर तक रेत दिखाई पड़ रही है तो देखो दोनों इमेज में कितना व्यापक फर्क है अब दोनों इमेज मैंने क्यों दिखाया आपको मैंने ये बताने की कोशिश की आपको एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दी की कितना उत्पादकता है इकोसिस्टम में इकोसिस्टम में कितना फूड बन रहा है उसके

वहां पर भी बड़ी संख्या में जो है वो प्रोडक्टिविटी देखने मिलती है सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहां होती होती है 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 एक्सट्रीम डेजर्ट में ठीक ना दिमाग में इंफॉर्मेशन में रिकॉल आपको क्योंकि हम आगे इससे जुड़ी कुछ बातों पर डिस्कस करने वाले हैं तो हाई लेवल ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां रहेगा बेटा वो रहेगा ट्रॉपिकल एनफोर्समेंट के और डेजर्ट में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रहेगा ठीक है ना एक्वाइटिक इको सिस्टम में जली परिस्थिति तंत्र में बेटा जो जो प्रोडक्टिविटी है उसकी लिमिट किससे है उसकी लिमिट है उसको लिमिटिंग फैक्टर उसके लिए क्या लाइट है कि जितना लाइट जो होता है वो झील में जितना गहराई तक जा पाएगा वहां तक जो है वो प्रोड्यूसर काम कर रहा होगा जहां तक लाइट नहीं जा पा रहा वहां पर प्रोड्यूसर मिलना बंद हो जाएगा तो एक्वायटिक इको के लिए उत्पादकता कंट्रोल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइट के गहरे ओशन डीप ओशन में न्यूट्रेंट काफी कम होते हैं यहां पर क्योंकि जितना देखिए जितना उथला वाटर बॉडी होगा जितना उथला जितना शेलो वाटर बॉडी होगा उसमें न्यूट्रेंट उतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे कॉन्सेंट्रेशन वाली बात है भाई सेम। आपने एक चम्मच शक्कर को सुनिए बात करके एक चम्मच शक्कर को आपने एक गिलास पानी में घोला या उस एक चम्मच शक्कर को आपने दस लीटर पानी में घोला तो आपको एक गिलास पानी मीठा समझ में आएगा दस लीटर पानी मीठा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने सिर्फ एक चम्मच शक्कर घोला हुआ है जो बड़े डीप ओशन होते हैं वो इतने गहरे होते हैं इतना वॉटर में होता है कि न्यूट्रेंट इतना डायल्यूट हो चुका होता है कि वो कम पड़ता है यानी पर यूनिट एरिया में न्यूट्रेंट काफी कम होता है जबकि जो सक्रिय नैरो शैलो झील होती है उनमें न्यूट्रेंट अधिक मात्रा में समझ में आता है पर यूनिट एरिया में ठीक है ना क्लियर नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट जो कि मैराइन इकोसिस्टम में एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है याद रखिएगा ठीक है तो प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर भी है मालूम है ट्रॉपिकल रेनफॉल सबसे कम होता है डेजर्ट डिजर्ट के अंदर होता है दिमाग में रखना है इस बात को ठीक है अब हमें ये मैंने क्यों बताया आपको दोबारा से रिकॉल क्यों कराया क्योंकि हमें कुछ कुछ इक्वेशन को दिमाग में रखना है और ये इक्वेशन जो है वो एनसीआर में नहीं दे रखे बेटा लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी इक्वेशन है कई लोगों का बोलना ये भी होता है सर अच्छा बताइए का शुरू है करते हैं क्लास लेते हैं हर दिन क्लास जाता है तब भी आपका कोर्स पूरा होने में थोड़ा सा वक्त क्यों लगता है क्योंकि बेटा हम एक भी हिस्सा नहीं छोड़ते हैं हम हंड्रेड एंड वन परसेंट एक सौ एक परसेंट जो एनसीईआरटी में पूरा कवर करते हैं छोड़ते हैं और बियॉन्ड द एनसीईआरटी बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी मतलब वी आर कवरिंग वन हंड्रेड टेन परसेंट सिलेबस के देखते हैं कहां से क्वेश्चन आता है बाहर से मतलब हम जो है सिलेबस को किसी भी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में आप जाइए और कंपेयर कर लीजिए आपके यू विल फाइंड दैट मैंने कहा ना मैं इस बात का कभी दावा नहीं करता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं मैं इतना बोलूंगा कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कुछ कम मिला है हमको के यू ऑलवेज विल यू ऑलवेज फाइंड दैट कि यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग जो आपको किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर मिलता वही दिया है क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए YouTube केवल जरिया मात्र है बेटा बाकी आप पढ़ रहे हैं बायोमेट्रक्स क्लासेस ऑनलाइन में के आप जो है वो YouTube केवल एक माध्यम मात्र है अदरवाइज यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोमेट्रिक्स क्लासेस ठीक है ना उसके आप स्टूडेंट हैं उसके आप कमांडो हैं नॉट ए स्टूडेंट यू आर कमांडो ऑफ बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन ठीक है यूट्यूब केवल माध्यम मात्र है कई बच्चों ने यह भी बोला सर आप हमें लाइक करने को सब्सक्राइब करने को शेयर करने को नहीं बोलते हैं कई चैनल ऐसे हैं जो आपसे आगे निकल गए वेरी गुड बधाई हो उन सभी लोगों को लेकिन मैं इतना भर बोलूंगा आपसे कि ये सब आपका काम है ये मेरा काम नहीं है मैं पढ़ाऊं भी और आपसे ये भी बोलूं कि सब्सक्राइब कर दो ये भी बोलूं कि शेयर कर दो क्यों बोलूं भैया ऐसा कौन सा पिछले जन्म का कर्जा है आपके मेरे बीच में है ना आप मेरे कमांडो है मैं आपका कमांडर हूं तो एक गरिमा मेंटेन रहना चाहिए उस चीज के लिए के? तो ना ऐसे सजेशन दे मेरे को और आपको जो करना है दे आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों को बताना चाहिए तो बिल्कुल बेटा ये आपकी ड्यूटी है क्योंकि आपका चैनल है ये मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ मैं इसके लिए काम करता हूं ये समझ लीजिए आप ठीक है चलिए तो अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े से जो कि हायर लेवल क्वेश्चन है वहां पे कुछ ऐसी इक्वेशन है जो इकोलॉजी का आधार है वो इक्वेशन मालूम जिससे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक इफिशियंसी और ये इक्वेशन उसी प्रोडक्टिविटी वाले हिस्से से निकल के आती है जब आप फोटो सिंथेटिक इफिशियंसी की बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण दक्षता की बात करते हैं तो यू शुड रिमेंबर वन फॉर्मूला आपको एक फार्मूला दिमाग में आना चाहिए जीपीपी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऑब्लिक इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑब्लिक इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ये इसका देन आप कंपेयर है? तो करते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी बोले तो ग्रॉस प्राइमरी एनपीपी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऑब्लिक जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी ये क्या हो गया ये नेट प्रोडक्शन प्रोटिविटी का फॉर्मूला हो गया याद रखे फिर बात करते हैं व्हाट इज दुलेशन इफिशियंसी एसिमुलेन इफिशियंसी क्या होती है तो याद रखिए बेटा इसका फॉर्मूला है फूड एनर्जी जिसको एसिमुलेट किया गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिस फूड को आप लेते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद आपकी सेल्स जितना फूड आपकी सेल्स या टिश्यू इस्तेमाल करते हैं वो उनके अंदर पहुंच जाता है और उसे हम उसका एसिमुलेन ऑफ फूड कहते हैं कितना फूड सेल के अंदर पहुंचा है टिश्यू के अंदर पहुंचा है ठीक है तो फूड एनर्जी जो सेल के अंदर पहुंची है टिश्यू के अंदर पहुंची है एसिमुलेटेड हुई है

ठीक है मैंने ठीक कर दिया इसको ना कि व्हाट इज द ऑफ द इकोलॉजिकल इफिशियंसी एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ए ट्रॉफिक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास प्रोडक्शन में कितनी बायोमास कित, प्रोडक्शन में एक ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऑब्लिक एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल के पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से हम अगले ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी की तुलना कर रहे होते हैं उसे इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं ठीक है थीके? तो मतलब एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ए ट्रॉफिक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल में बायोमास प्रोडक्शन में कितनी ऊर्जा है और पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा प्रेजेंट थी उसका उसको हम जब परसेंटेज में शो करते हैं तो वो इकोलॉजिकल इफिशियंसी आता है और सरप्राइजिंगली फिगर इज अराउंड टेन परसेंट दस परसेंट का फिगर आता है क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल टेन एनर्जी शिफ्ट करती है क्लियर ठीक है चलिए तो अब हमने ये तो देखा हमने कॉन्सेप्ट की प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट का ऊर्जा के साथ क्या संबंध है और कुछ इक्वेशन को देखा हमने अब देखो बेटा फूड चेन को हम अच्छे से जानते हैं हम जानते हैं प्रोड्यूसर है उसके ऊपर जो है हरवी बोर है प्राइमरी कंज्यूमर है देन उसके ऊपर कॉर्नीवर है जो कि क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है देन उसके ऊपर टॉप है है जो कि कंज्यूमर और उसके हमने कहा ऊपर भी कोई टॉप कॉर्निवर तो के ऊपर होता है देन टॉप है यहां पर हमने इस जगह पर हमने आपको क्वार्टरली कंज्यूमर भी दिखाया है हमने क्या दिखाया कि हरे पौधे उन्हें खाने वाले इंसेक्ट है कुछ चूहे हैं उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर है देन टर्सरी कंज्यूमर जैन क्वार्टरली कंज्यूमर के जो सबसे ऊपर होता है उसे

जाहिर सी बात है ना बेटा जितना फूड अवेलेबल है उसके ऊपर अगला ट्रॉफिक लेवल डिपेंड कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं पे कि हमें एक पिरामिड के समान स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है और अभी हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर कि क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड जब फूड चेन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब खाद्य श्रृंखला को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पिरामिड के रूप में तो उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा देखते हैं बेस्ट ऑफ परामिड इज इज ब्रॉड एंड इट नैरोस द्स के कोई भी प्रामिड जो है उसका निचला हिस्सा जो मैंने कहा सीधा परामिड है तो वो ब्रॉड होगा ऊपर का हिस्सा उसका नेरो होगा ठीक है वन गेट्स इट्स ए सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के यदि मैंने कहा ना आपसे कि सबसे अधिक एनर्जी होगी प्रोड्यूसर में टी वन में उससे कम एनर्जी होगी टी टू में उससे कम एनर्जी होगी टी थ्री में और सबसे कम एनर्जी होगी टी फोर में क्योंकि एनर्जी केवल जो है वो टेन परसेंट अगले ट्रॉफिक लेवल में शिफ्ट होती जाती है ठीक है तो हमें ये शेप मिला यहां

के सिरे पर देखने मिलेगा और बेस्ट में हमेशा हमेशा यही आपको क्रम देखने मिलेगा यहाँ पे ठीक है थीके? थीके? तो एक इकोलॉजिकल प्रामिड में प्रोड्यूसर अब ऐसा मत करना कि आपने बोला सर इस प्रामिड को उल्टा कर दिया तो प्रोड्यूसर ऊपर आएगा नहीं बेटा ऊपर नहीं आएगा हमेशा याद रखना कि यही क्रम है कि टी वन है उसके ऊपर टी टू है उसके ऊपर टी थ्री है उसके ऊपर टी फोर है यदि टी फाइव है तो उसके ऊपर हटके हमेशा ऐसा ही क्रम आएगा चाहे पिरामिड उल्टा हो चाहे सीधा पिरामिड हो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि पिरामिड उल्टा कैसे हो सकता है हम इस पर भी बात करेंगे ठीक है क्लियर चलिए तो एक हम बात कर रहे हैं के अकॉर्डिंग ही बात करें थ्री टाइप ऑफ इकोलॉजिकल आर यूजली स्टडीड आर जो तीन तरह के इकोलॉजिकल प्लामेट जिनका हम अध्ययन करते हैं वो है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी के बायोमास के बारे में बताइए सबसे पहले आप मुझे बायोमास की डेफिनेशन बताइए चलिए आप लिख लिखिए लिखिए कमेंट कीजिए उसको कि वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमास बायोमास की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है बताइए क्या होती है बायोमास के तो मैंने आपको बताया हुआ बेटा किसी ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट लिविंग कंटेंट जब लिविंग कंटेंट जीवित पदार्थ किसी ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होता है उसे हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं मास में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बायोमास कहते हैं ठीक है तो बायोमास इज दी प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड एट ए ट्रॉफिक लेवल विच इज प्रेजेंट इन दी लिविंग कंटेंट जीवित पदार्थ में उपलब्ध भोजन भोजन की मात्रा जो एक ट्रॉफिक लेवल में होती है उसको हम बायोमास कहते हैं ठीक है क्लियर चलिए अब कुछ पिरामिड जो हमारे जो हमारे इसमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं हम उनको देख रहे हैं हमें दिखाई पड़ रहा है पिरामिड ऑफ नंबर के संख्या का पिरामिड देख रहे हैं हम और वो देख रहे हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जितने पिरामिड बेटा एनसीईआरटी में दे रखे हैं वेरी वेरी आईएमपी मैं कह रहा हूं आपसे कि एक पिरामिड इस साल आएगा एग्जाम में मतलब आएगा के मैं कह रहा हूं कि एक्सपेक्ट एक वन क्वेश्चन ऑन द इकोलॉजिकल इकोलॉजिकलिड ये क्वेश्चन मैंने लीक कर दिया आपको पहले ये मैंने क्वेश्चन पहले ही आपको लीक कर दिया है इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इकोलॉजिकल पैरामिड के ऊपर आ रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से मैं आपसे कह रहा हूं ठीक चलिए Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. <laughs>

हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि छे मिलियन प्लांट पे ग्रासलैंड के अंदर यहां पे छह मिलियन प्लांट प्रेजेंट है तकरीबन छह मिलियन सिक्स मिलियन प्लांट जो है वो प्रेजेंट साठ लाख के आसपास प्लांट प्रेजेंट है उनके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है वो सा लाख सेवन लाख के आसपास प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है और उसके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है वो तीन लाख चौवन हजार थ्री पॉइंट फाइव लेख हमें दिखाई पड़ रहे हैं और इनके ऊपर जो टॉप कॉर्नीवर है वो केवल संख्या में तीन डिपेंडेंट है मतलब तीन टाइगर समझ लीजिए यहां पे ठीक है यू कैन इमेजिन बैलेंस इन द नेचर यदि इनकी संख्या बढ़ जाएगी अधिक हो संख्या में जाएगी तो यह पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा ठीक है तो इकोसिस्टम जो होता है उसमें मैंने कहा ना कि टॉप प्रेटर आपने कभी देखा है ना मैंने आपको बताया था याद है पिछली क्लास में मैंने आपसे पिछली दो तीन क्लास पहले मैंने आपसे कहा था कि टाइगर जहां भी रहता है जहां पर भी टाइगर रहता है ना वो अपनी सीमा में आता है वो कहता है ये मेरा एरिया है, मैं जंगल का राजा हूं इस एरिया में कोई दूसरा टाइगर नहीं आएगा ठीक है वो केमिकल्स के थ्रू एक बाउंड्री आता है और बेसिकली वो यूरिनेशन करता है और उसकी गंध होती है तरह की और दूसरे टाइगर को मालूम ऑलरेडी पहले से रह रहा है, तो ये दो कब्जा तो कर लिया जाए, जाए कहते ना कि कहावत है कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते क्यों अब शेर होता है शेर का परिवार होता है शेर होगा शेर नहीं होगी पब होंगे बस दो तीन चार लोग हो गए यही रहते हैं टॉप प्र जंगल के अंदर ठीक है अब आप बोलोगे सर टाइगर रिजर्व में तो हम घूमने गए थे एक बार तो हमको तो बहुत शेर दिखाई दिए यहां पर हमने क्रिएट किया हाँ पे हमने इसको प्रिजर्व कर दिया वहां पे उसके बाहर एक बाउंड एक सीमा रेखा है उसमें कि वह टाइगर को वहीं रहना है यदि उसको रहना होता तो वो और दूसरा क्या होता है वहां पे हम प्लेंटी फुल ऑफ फूड प्रोवाइड करने की कोशिश भी करते हैं ताकि टाइगर आपस में कंफ्लिक्ट ना हो उनमें ठीक है नहीं तो यदि यदि वो सब कुछ नेचुरल कंडीशन होता ना तो आप टाइगर घूमने नहीं आप आप टाइगर रिजर्व में जाते हैं टाइगर हमला कर देता अभी वो भी हैबिटचल हो गया है कि आएंगे जीप से घूमेंगे देखेंगे मेरे को चले जाएंगे तो असल में मैं क्या क्या आपसे कि कि इस में आपने में 60 लाख प्लांट है, 6 मिलियन प्लांट है उनके ऊपर 7 लाख प्राइमरी कंज्यूमर है 3 लाख के साढ़े तीन लाख केवल 3 जो हर एक ट्रैफिक लेवल में संख्या को बतला रहा है नंबर्स को बतला रहा है वो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ठीक है

बायोमास के यानी 809 किलोग्राम के 8 क्विंटल के आसपास पर मीटर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर उसका भार है फिर

जो phytoplanktons है। phytoplanktons जो है वो रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एक दिए गए टाइम पीरियड में आपने उनका वजन ले लिया आपने लिया उसका वेट आपने लिया उसका जो कम आया आपने फिर क्या किया केवल एक यूनिट टाइम को कंसीडर किया कि जब, जब जू प्लेक्टोन खाता है ना एक तरफ खा रहा होता है एलगी डिवाइड करके फिर से बन रही होती है मतलब एलगी का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट है एलगी जो है वोटरी फ्रेगमेंटेशन करती है हिस्सा टूटा टूटे से नया बन जाएगा तो जो होते हैं वे रैपिडली मल्टीप्लाइंग होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो उनका हम वजन नहीं लेते हैं तो हम कहीं गलती कर जाते हैं यदि आप नंबर का पैरामिड बनाएंगे तो वो सीधा बन जाएगा लेकिन बायोमास का पैरामिड बनाएंगे तो वो उल्टा हो गया यहां पे। क्या लिखा है इनवर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंड क्रॉप में प्राइमरी कंज्यूमर का, का कि, uh, कितना तो उल्टा क्यों हो गया ये? क्योंकि कारण उसके पीछे मल्टीप्लाइंगाइटो प्लेटॉन जू प्लॉल

देन कम टू दी पैरामिड ऑफ एनर्जी अब एनर्जी के पैरामिड में तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाओगे तो केवल और केवल टेन परसेंट एनर्जी शिफ्ट होगी तो पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूसर के पास उससे कम एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास उससे कम एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और सबसे कम एनर्जी टर्सरी कंज्यूमर के पास ठीक है देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर है टेन थाउजेंड जोल इसका 10% केवल 10% अगले लेवल पर गया 1000 थाउजेंड जोल इसका टेन परसेंट 10% लॉ की बात करें, लेवल गया, और इसका 10% अगले ट्रॉफिक लेवल है तो जबकि प्रोड्यूसर जो है केवल 1% सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं अपना फूड बनाने के लिए तो एनसीआरटी के ये चारों पिरामिड आपको अच्छे से दिमाग में रखना बेटा ठीक है थीके? चलिए अब थोड़ा सा एनसीआरटी से बाहर निकल के बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने ये एक एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ठीक है

एनर्जी कंटेंट बायोमास नंबर हो चाहे आप बायोमास का पैरामिड बना रहे हो चाहे आप नंबर का पैरामिड बना रहे हो बेटा चाहे आप एनर्जी का पैरामिड बना, बना रहे हो आपको एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिस को शामिल करना पड़ेगा ठीक है नो जनराइजन वी मेक विल वी ट्रू

वीगन डाइट का मतलब होता है है, केवल केवल और केवल वेज खाने वाले, ठीक दूध भी नहीं पीते, दही भैया हम, हम ऐसे अंडा खाते हैं हम जो है वो सब्जियां खाते हैं है है, तो वो टी टू में आ अंडा खाना भी जो है वो किस में आ गया वो आपको प्राइमरी कॉर्निवर की कैटेगरी में लेगी आपको थीके? कहां पे आ गए टी थ्री में आ गए आपके पहले टी टू थे अब टी थ्री में आ गए आपके फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम तो शिकार करके भी खाते हैं ठीक है हम जंगल में जाके जो शिकार करते हैं और उसको एनिमल को भी खाते हैं भाई कई ट्राइबल कम्युनिटी खाती है आज भी लोगों को शिकार कर खाने खाने में अब देखो ना कई लोग जो है वो शिकार करते हैं कभी कभी हमने सुना है कि लोग हिरण का शिकार भी करते हैं ठीक है जेल में भी बंद जाते हैं कई बार ठीक है तो कई बार जो है वो राजस्थान में भी बड़ा फेमस है कि लोग खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं कि वहां पे अलग तरह का एनिमल का तो बड़ा बड़ा कल्चर क्योंकि राजा महाराजाओं के की, की का राज्य रहा जमाने में तो लोगों को शिकार करने में पहले मजा आया करता था अब बैन कर रखा गवर्नमेंट ने इसको तो कई लोग ऐसे होते हैं बोलते भैया हम तो जो है वो शिकारी हैं ठीक है हम तो नॉनवेज खाएंगे ठीक है अब

और वजह भी ऐसी वजह ढूंढता है वो जिस वजह का कोई वजूद ही नहीं है मैं कहता हूं कि यदि आपको चलिए आप मैं आपको एक बड़ी सामाजिक पति की बात बोलना चाहता हूं बेटा क्योंकि देखो तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो केवल कंटेंट डिलीवरी के अलावा वो हमारी आत्मा को भी कुछ डिलीवर करना चाहिए मैं आपसे इतनी सी बात पूछता हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा आपसे मैं कि आप सोचना इसको कभी कि जिन मंदिर मस्जिद के लिए हम लड़ते हैं लोगों आपस में लोगों को भिड़ाते हैं लोग उकसाते हैं सच्चाई तो यह है कि उन मंदिर और मस्जिद में रहने वाला वो खुद रक्षा करने बाहर क्यों नहीं आता आप इस बात को हो सकता है कि ऑफनडिट फील करें आप बुरा मान लेकिन मैं आपसे बिल्कुल वैज्ञानिक नज़रिए से एक इंसान के तौर पे एक मानवता के तौर के तौर पे बोलूंगा कि जिस मस्जिद और जिस मंदिर के लिए हम जो है वो एक दूसरे से लड़ लेते हैं कई बार हम लोग बहस कर लेते हैं एक दूसरे से उनके उनकी, उनकी सुरक्षा के लिए जो सबसे ऊपर रखवाला है वो बाहर क्यों नहीं आता है और हम लोग कौन होते हैं उसको सुरक्षा देने वाले क्रिएटेड द एंटायर वर्ल्ड एंड वी ब्लेम कि हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं हम तुम्हारे लिए कुछ करके दिखाएंगे कि कोई तुम्हारे नाम को मैं जो है कोई तुम्हारे नाम को बदनाम ना कर सके कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल न सके यदि कुछ बोलेगा तो हम मारेंगे क्योंकि तुम्हारे बारे में बोला क्यों भैया वो तो इतना बड़ा है सब जानता है पूरी धरती चला रहा है पूरा ईश्वर है वो तो अल्लाह है वो तो तुम कौन होते हो है? तुम्हारी तुम हैसियत क्या है कि तुम उसको उसको बुरा बोल सको अच्छा बोल सको उसके इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं बेटा सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है मानवता मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना जो मदर टेरेसा ने किया धर्म से परे हटकर सबसे बड़ा धर्म है बीमार रोगियों की, की देखरेख करना सबसे बड़ा धर्म है अपने कार्य को ईमानदारी से निभाना जो भी आप काम करते हैं सबसे बड़ा धर्म है सुख दुख में काम आना सबसे बड़ा धर्म है इस प्रकृति को सहज के रखना सबसे बड़ा धर्म है इंसान बने रहना सबसे बड़ा धर्म है है इंसान का इंसान बना रहना एक बड़ी चुनौती है और जितना चाहिए इंसान जितना चाहिए इंसानियत चलिए तो आप बोलेंगे सर मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकाऊ बेटा मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि हमेशा दिमाग विचार स्पष्ट रखिए लोग हैं दुनिया में जो आपके दिमाग में जहर बोने का काम करते हैं खरपतवार हैं वो लोग बीट से वो लोग अपने दिमाग में अच्छी फसल उगा के रखिए कोई खरपतवार आएगा अभी ना तो वो अच्छी फसल में पनप नहीं पाएगा उठ के निकाल के खोद के बाहर कर देंगे उसको टा नहीं चाहिए हमें खरपतवार पदवार चलिए तो अभी मैं आपसे क्या करें? मैं आपसे कहा था कि कई बार क्या होता है जैसे इंसान है वो कई ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करता है अब फिश की बात करें अब पानी के अंदर छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है तो वो ट्रॉफिक लेवल वेरिएशन एंड फिश बिलोंग्स टू टू ट्रॉफिक लेवल के तो अभी हमने क्या कहा कि गिवन ऑर्गेनिज्म कई बार जो है वो एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में भी करते हैं वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल नॉट ए के अब देखिए सिंपल सी बात है कि ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना वो बेसिकली फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य जो मनुष्य है जो वो वेज है वो एक अलग लेवल पे अलग हो गया स्पीसीज नॉन वेज अलग हो गया या जो फिश नीचे है वो यानी फिश की फिश जो होती है उसमें हो सकता है कि बड़ी फिश छोटी फिश को खा रही तो वही सिंपल सी बात है कि वो फंक्शनल लेवल पर डिफरेंस है ट्रॉफिक लेवल का स्पीसीज के लेवल पर डिफरेंस वो नहीं होता है ठीक है एगी वॉर्म खाएगी, खाएगी के तो इसका मतलब यह होता है कि चिड़िया जिसको सीड मिला सीड खा लिया तो वो टी टू बन गई और उसने इंसेक्ट खाया वो टी थ्री बन गई तो एक जीव जो है वो सिर्फ ट्रॉफिक लेवल में

कनाडा में कुछ साइंटिस्ट है वो इंसान की स्किन में क्लोरोफिल डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आएगा तो वो बात ही खत्म हो गई कि, कि कुछ नहीं करना है जादू की समय धूप धूप अरे क्या भूख लगेगी बच्चा का तो बच्चा ये नहीं बोलेगा मम्मी कुछ खाने बोलेगा मम्मा धूप अच्छा बेटा चलते को मैं सूरज में रखाती हूँ क्या ब, आपके बच्चे कहाँ गए बहन जी बच्चे कहाँ अरे बच्चों को छत पर छोड़ा ही मैं क्यों फोटो सुंदिश कर रहे हैं बच्चे फिर जब पेट भरा जाएगा ना उनका तो नीचे जाएंगे खेलने के लिए बस यही बचा है अदरवाइज इंसान हर ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट है चलिए अरे लिख मत आना एग्जाम में फिर इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल के मोस्ट ऑफ the... लेकिन बायोमास का पैरामिड इको सिस्टम में उल्टा होता है मैंने बताया अब कोई ऐसा पिरामिड है क्या नंबर का पिरामिड ऑफ नंबर क्या कहीं पर उल्टा होता है यस उल्टा होता है

टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्रीट वॉट आपसे एक बड़ा पेड़ है तो ऐसा पैरासिटिक एक इकोसिस्टम भी कहते हैं पैरासिटिक या ट्री इकोसिस्टम अच्छा बताओ चैप्टर में बेटा बोर तो नहीं हो रहे आप सच्चाई बता निका क्योंकि

उसके ऊपर कई सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स प्रेजेंट है हरिवर्स प्रेजेंट के उसके ऊपर लाइसेस और बक्स प्रेजेंट है उसके ऊपर फंजाई बैक्टेरिया प्रेजेंट के तो दिस इज बेसिकली यहां पर पैरासाइट पक्षियों के साथ अब देखो ये भी हो सकता है पे.

कि के का ट्री एक, एक, तो एक चीज बताई का काम करो अब एक ऐसा प्रोड्यूसर बनाओ आप है पर कि जिस उसके में क्या हो रहा है बेटा की हमने कहा कि यहाँ पे एक, एक, जो है, एक ट्री प्रेजेंट है ठीक है इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर जो है वो कई सारी बर्ड्स प्रेजेंट है इसके ऊपर इसके कई सारे कई सारे इसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट प्रेजेंट है कई सारे इसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट प्रेजेंट के और इंसेक्ट खाने वाली क्या है बेटा इसे खाने वाली जो है वो बर्ड्स है ठीक है फिर इसके ऊपर क्या है इसके खाने वाली लार्ज बर्ड्स है

आई बात क्या बताया जो ने हमको कंडीशन दे रखी थी बेटा कि एक पेड़ है उस पर कई सारे इंसेक्ट हैं उसे खाने वाले बर्ड का नंबर कम किया हमने उसके ऊपर डिपेंडेंट लार्ज बर, बर्ड बड़े पक्षी है उनका नंबर और कम किया हमने। तो का भी हो गया ऊपर भी नर हो गया तो ये प्रामिडलिड हमको यहां देखने मिलेगा ठीक है ना ठीक है फिर बायोमास का देखेंगे तो यही भी क्या होगा उल्टा होगा बेटा क्यों कारण उसके पीछे क्या होता है कारण यह होता है कि जो फाइटो प्लेंगली मल्टीप्लाइंग ठीक है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा बेटा क्योंकि सिंपल सी बात है ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम अगले ट्रॉफिक लेवल जाते हैं तो हमेशा एनर्जी घटती है केवल टेन परसेंट एनर्जी रह जाती है ठीक है ना तो इसका मतलब हर एक पैराम का वार जो है वो एनर्जी केवल के टेन परसेंट एनर्जी में शिफ्ट होती है अब के के देखो नंबर एक कई कई ऐसे एनिमल जो एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं तो उन्होंने तो गड़बड़ा दिया पूरा मामला ठीक है एक तो ये और दूसरी बात पर हम डिकम्पोजर को रख नहीं सकते हर एक लेवल पे काम कर रहे होते हैं ठीक है देखिए देर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ द इकोजिकामिट के आप देखो बेटा ये एमसीक्यू बन सकता है ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एक एमसीक्यू बन के आ सकता है कि वॉट आर दी लिमिटेशन ऑफ दी इकोलॉजिकल परामिट पहचानिए सही स्टेटमेंट क्या है तो क्या इकोलॉजिकल परामिड के लिमिटेशन होते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा मैंने कहा

प्रकृति में एक इंडिविजुअल फूड चेन नहीं होती है बल्कि फूड का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है फूड वेब होती है तो पिरामिड जो होते हैं और इतने अधिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फूड वेब के अंदर होते हैं कि वो पिरामिड में सिंपली फिट नहीं हो पाता है फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में उन सेप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर को पिरामिड में कहां रखें ये भी समझ में आता है क्योंकि जो होते हैं वो प्लांट मर गया उस पर भी काम करते हैं टी2 मर गया उस पर भी काम करते हैं टी3 मर गया उस पर भी काम करते हैं तो उनको भी नहीं रख पाते हैं तो कुछ लिमिटेशन से है ये इकोलॉजिकल पिरामिड के ठीक है अब थोड़ा सा बेटा हम एनसीआरटी से बाहर निकल कर बात करते हैं पहले मैंने आपसे कहा पिरामिड ऑफ नंबर तो मैंने क्या कहा आपसे ये अलग-अलग ट्रॉफिक लेवल पर नंबर को रिप्रेजेंट करता है इसके

फिर जो पिरामिड ऑफ नंबर है। है 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 तो इस प्रकार का हमें दिखाई पड़ेगा ठीक है टी क्या ग्रासेस होगा T2 टू ग्रास ऊपर होगा T3 थ्री फ्रॉक होगा T4 जो है और टी थ्री फोर क्या हो गया अपना टॉप तो कॉर्नि वो हो गया ठीक है बाज हो गया मान लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कम होते हैं लेकिन उनके प्रोड्यूसर की संख्या अधिक होती है लेकिन कंज्यूमर की संख्या अधिक होती है पर, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर में सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट होते हैं तो प्राइमेड बनता है, है स्टेप का बनता है इकोसिस्टम में नंबर का बिल्कुल अपराइट बनेगा नंबर फाइटो का अधिक होगा उससे कम जू प्लैंगटोन का उससे कम होगा बेटा स्मॉल फिश का लार्ज फिश का ठीक है है ना तो ऑफ नंबर जो है उल्टा कहां बनेगा बेटा पैरामिड का नंबर पैरामिड ऑफ नंबर उल्टा बनेगा कहां पर ट्री इको सिस्टम में जिसको हम पैरासिटिक फूड चेन भी कहते हैं यहां पर पैरासाइड इन्वॉल्व होंगे एक प्रोड्यूसर एक ट्री है उसके ऊपर कई सारी बर्ड्स रहती है हरवी बोर है उसके ऊपर कई सारे पैरासाइट या बग्स रहते हैं और उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट जो बैक्टीरिया फन वो ग्रो कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक इकोसिस्टम में जो पैरासिटिक फूड चेन होती है जिसमें पैरासाइट इन्वॉल्व होता है वहां पे नंबर का पिरामिड उल्टा बनता है क्लियर तो पैरासिटिक एक्ट्री कस्टम में नंबर का पिरामिड उल्टा बनेगा फिर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो ये स्टैंडिंग क्रॉप को अलग-अलग ट्रॉफिक लेवल पर रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट बायोमास की लिविंग कंटेंट की मात्रा के तो याद रखिए मैंने आपसे क्या कहा कि बायोमास मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू विद इन ए गिवन ट्रॉफिक लेवल ठीक है ना फिर

फिर हमने ये देखा था और बायोमास जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको देखा था हमने जो हमको बता रहा था एक जो है वो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में लेकिन देखो ग्रासलैंड में क्या है ग्रासेस का बायोमास अधिक होगा एस कंपेयर टू तो दी प्राइमरी कंज्यूमर देन उससे कम होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का देन दी टर्सरी कंज्यूमर का सेम विद दी फॉरेस्ट फॉरेस्ट में ट्री संख्या में भले ही कम हो लेकिन बायोमास में ट्री प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से बायोमास में ट्री जो होते हैं वो अधिक होते हैं तो यूनिट तो है। तो है, है, एरिया में एक पेड़ का बायोमास है वो पक्षियों से अधिक होगा पक्षियों का बायोमास है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट से अधिक होगा है ना तो यहां पर भी बायोमास का पिरामिड सीधा बनता है लेकिन उल्टा कहां बनेगा पोन इकोसिस्टम में ठीक है

देखिए आप ना हम देख रहे हैं ये पिरामिड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ठीक तो है तो प्रोड्यूसर पर एनर्जी को देख रहे हैं उसका 10 परसेंट प्राइमरी कंज्यूमर में उसका 10 परसेंट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर में और टर्सरी कंज्यूमर में उसका भी 10 परसेंट प्रेजेंट रहेगा ये ठीक है थीके? Clear? तो एनर्जी का पैरामिड हमेशा आपको अपराइट मिलेगा सीधा पारामिड मिलेगा आपको ठीक इन सनलाइट का केवल 1% एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर पाते हैं उसके बाद उस, उसके अंदर जो फूड इकट्ठा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर बाकी लोग डिपेंड करते हैं तो एक टॉपिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी आती है तो केवल टेन परसेंट एनर्जी शिफ्ट कर पाती है ठीक है अब थोड़ा सा हमने इसका एनालिसिस किया हमने इन पिरामिड का कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज के पिरामिड ऑफ नंबर की आप बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताता है ये आपको हर एक ट्रॉफिक लेवल में इंडिविजुअल का नंबर बताता है एडवांटेज ये कि इसको नंबर को गिनना आसान होता है इट इज इजी टू मेजर डिस एडवांटेज ये होता है कि हमको इससे फीडिंग रिलेशनशिप की जानकारी केवल संख्या मिलती है हमको कौन किसको खा रहा है क्या फीडिंग रिलेशनशिप है ये हमको अच्छे से जानकारी इसकी नहीं मिल पाती है कि ठीक है और इसका कोई यूनिट नहीं होता इसका नंबर का क्या है नंबर तो केवल अपने आप में एक संख्या होती है तो उसको कोई पर, पर यूनिट एरिया हम बोलते हैं कि इतना संख्या पर यूनिट एरिया है। में प्रेजेंट है ये बोल सकते हैं के। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमको हर एक ट्रॉफिक लेवल पर लिविंग कंटेंट के बारे में बतलाता है के इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको जो है वो रिजल्ट इन प्योर इन्वर्टेड प्राइमिट एंड स्टिल नॉट टू डिफिकल्ट टू मेजर के इसको डिफिकल्ट को मेजर करना भी कठिन नहीं होता है और केवल आपको पोन्ड इको सिस्टम में आपको या एक्वाटिक सिस्टम में आपको पिरामिड और बायोमास उल्टा मिलता है अदरवाइज पिरामिड आपको सारे सारे सीधे मिलते हैं डिसएडवांटेज ये होता है कि यहां पर क्या होता है यहां पर जो इन्वर्टेड पिरामिड मिला है हमको पोर्ड इको सिस्टम में उससे लगता है कि शायद प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर अधिक है वो टाइम फ्रेम आप बायोमास आपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लिया लेकिन आपने उसमें रिप्रोडक्शन का रेट उसके उसका फूड बनाने का आधार उसकी प्रोडक्टिविटी उसको अपने काउंट नहीं कर पाए ठीक है सम टाइम भी इन्वर्टेड बिकॉज दे ओनली प्रोवाइड ए स्नेप शॉर्ट एन ए टाइम फ्रेम को बताता प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाते अदरवाइज प्रोडक्टिविटी कंसिडर करते ना तो देखो बेटा जब आप, आप कोई पूछता आपसे कि एक नया प्रामिड कि बताओ भैया प्रामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसा होगा हमेशा अपराइड होगा हमेशा अपराइड होगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बोले तो फूड और प्र फूड बोले तो एनर्जी ठीक है क्लियर तो इसको माप सकते हैं बेटा इसको हम स्क्वायर बायोमास पर स्क्वायर मीटर में इसको हम नाप सकते हैं या जूल पर मीटर स्क्वायर में इसको तो नाप सकते हैं पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें हम तो पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली दी पिरामिड ऑफ एनर्जी ठीक ये ऊर्जा को बतलाता है ठीक है और ऊर्जा के लेवल पे काउंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन काम होता है यहाँ पे और यहाँ पर हम जो है वो जीवित जीवों को आसानी से हम जो है वो एनर्जी के लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं फूड लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो फूड जो है बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं इसको चलिए अब पर पर हमने productivity के concept को, हमने हमने productivity के concept को हमने हमने के के को को किसको बेटा जोड़ा तो इकोलॉजिकल है। होते हैं कैसे एक जगह पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व करता है उसको देखेंगे हम तो बेटा बिल्कुल हम 100% परसेंट एनसीआर कवर करते हुए चल रहे हैं, कोई हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, हर हिस्से को हम करके पढ़ रहे ध्यान से बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा होगा पेन टेम्प्ररी मेडिकल डिग्री फॉरवर्ड के आज मैं चाहे कोई भी काम करूं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं उठ के प्रैक्टिस करूं ना करूं उठ के कुछ भी करूं मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है वो लगा रहेगा हमेशा हालांकि मैं जो है मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली मेरे से आप पूछेंगे तो मुझे पेशेंट देखना पसंद है देखता हूँ बिल्कुल मैं रोज पेशेंट देखता हूं मैं लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है लोगों को एजुकेट करना मैं कई सारे इंटरनेशनल फॉरम में अलग अलग जगह पर मैं दुनिया भर में जाता हूँ वहाँ जाकर मैं डायबिटीज़ के ऊपर लेक्चर लेता हूँ मैं डायबिटीज़ की नई रिसर्च के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं अटके अभी जैसे कि मेरे को एक, एक कंट्री है इस्टोनिया के इस्टोनिया वहाँ से भी मुझे कॉल आया कि भाई आपको हमारी कॉन्फ्रेंस है वो बच्चों की पीरियडिक्स कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको जो है छोटे बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है उसके बारे में आपको बताना रहा है हटके अभी मैंने कहा कि भैया अभी देखो तो पूरा माहौल देखो वायरस इन्फेक्शन तमाम चीज़ें देखो तो अभी तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा मैं लेकिन ये है कि वो दे कॉल मी इन इन मिड ऑफ द मई उन्होंने मुझे कॉल किया कहीं तो पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां जा भी सकता हूँ तो मैं मेरे को जब मैं और डॉक्टरों से मिलता हूँ उनके पर्सपेक्टिव समझता हूँ उनकी कंट्री के बारे में जानता हूँ कि क्या बीमारी का इलाज कैसे करते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है एवरीबडी जो मुझे जानता है मेरे आज मेरे आसपास में मेरे दोस्त यार जो डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर है वो तो मुझे नाम से हैं बोलते हैं ठीक है घर वाले भी नाम से बुकाते हैं लेकिन जो बाहर के इतने लोग हैं मेरे जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर कुछ लोग मुझे बोलते हैं डॉक जो दोस्त हैं मेरे क्लोज जो डॉक्टर नहीं है मेरे फ्रेंड डॉक बोलते हैं डॉग नहीं डॉक क्या बात करते हैं ना ऐसा भी मत करो यार तो डॉक कहते हैं डॉक्टर कहते हैं तो एक्चुअली में जो है डॉक्टर जो वो जो वर्ड है ना बेटा ये आपकी जिंदगी की पहचान बन जाता है लाइफ बन जाता है जिसको जिस दर्द से जिस कष्ट से आप गुजर रहे हो ना ये प्रोसेस का हिस्सा है डरो मत इस दर्द को सहन करिए और इस दर्द से जो है में मेहनत कीजिए मन बार बार बोलेगा सरेंडर कर दे सरेंडर कर दे मन से बोलना चुपचाप करो अभी हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हम मशीन है हम तो हमारा टास्क है वो हमें पूरा करना है और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन आती है ऑल द बिकम एन ऑफिशियल कमांडो ऑफ डब्ल्यू मेंटर्स जॉइन अस एट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.